दिन ढल जाए आए। वो गीतों के मीठे बोल, मन को सकुन और खुशियों को भर देने वाली आवाज तो आज कहाँ गए। इतने दूर होते हुए भी जब हम उनकी गीतों को सुनते तो यूं ही ऐसा लगता है कि आज भी उनके गीतों में उनकी रूह बसी हो। महानगरी में कई गायक आए और चले गए, लेकिन बॉलीवुड के रफ़ी साहब जैसी प्रतिभाएं अनंत काल तक जीवित रहती हैं और सदैव जीवित ही रहेंगी। तो चलिए जानते हैं कैसे मोहम्मद रफ़ी साहब बने बॉलीवुड के सुरों के बादशाह। बॉलीवुड में रफ़ी साहब की गीतों की संरचना शुरू हुई नौशाद अली साहब से, जिसमें उन्होंने करीब 149 गीत गाए। संगीतकार नौशाद अली रफ़ी के बारे में एक दिलचस्प किस्सा सुनाते थे। एक बार एक अपराधी को फांसी दी जा रही थी, उससे उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई तो उन्होंने कहा कि वो मरने से पहले रफ़ी जी का बैजू बावरा फिल्म का गाना ए दुनिया के रखवाले सुनना चाहते हैं। अपराधी की ख्वाहिश पूरी करने के लिए टेप रिकॉर्डर लाया गया और उसके लिए वह गाना बजाया गया। शायद आप नहीं जानते होंगे, रिकॉर्डिंग के बाद उनकी आवाज़ इस हद तक टूट गई थी कि कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि रफ़ी साहब कभी भी अपनी आवाज़ वापस नहीं ला पाएंगे। इतना ही नहीं, अरे ओ दुनिया के रखवाले गाने को गाते समय रफ़ी के गले से खून तक आ गया था। ओ दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। ओ दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। अब चलते हैं एसडी बर्मन के गाने की ओर। हाँ जी, एसडी बर्मन के साथ मिलकर रफ़ी साहब ने देव आनंद और गुरुदत्त जैसे महान कलाकारों की आवाज़ बने, ऐसी आवाज़ बने कि इन कलाकारों को लोग आज भी याद करते हैं। रफ़ी साहब और एसडी बर्मन में 37 फिल्म में काम किया। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। दिल का भंवर करे पुकार, अच्छा जी मैं हारी चलो माने जाओ ना। देखी मैंने सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। अच्छा जी मैं तो हारी चलो माने जाओ ना। देखी मैंने सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। बागों में बहार है, कलियों में निखार है, हाँ है बागों में बहार है, कलियों में निखार है, तुझको मुझसे प्यार है। ना 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 ना, बागों में बहार है। रफ़ी साहब और शंकर जयकिशन की दोस्ती पूरी बॉलीवुड में मशहूर थी, और हो भी क्यों ना हो, आखिर रफ़ी साहब को 3 फिल्म फेयर अवार्ड्स शंकर जयकिशन के साथ किए गए गानों के मिले थे। रफ़ी जी ने इनके लिए कुल 341 गाने गाए थे। इसी दोस्ती के दौर में रफ़ी जी ने शम्मी कपूर और राजेंद्र कुमार के लिए
कई गाने भी गाए। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को कहीं मेरी नजर ना लगे, चश्मे बंधूं मुखड़े को छुपा लो आंचल में, कहीं मेरी नजर ना लगे चश्मे बंधूं। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को कहीं मेरी नजर ना लगे चश्मे बदूं। अब भले ही शंकर जयकिशन के साथ उन्हें 3 फिल्म फेयर अवार्ड्स क्यों ना मिले, पर वो कहते हैं ना कि हर किसी के लिए फर्स्ट अवार्ड दिल के करीब ही होता है। कुछ वैसा ही रहा मधुर आवाज के धनी मोहम्मद रफ़ी के साथ, क्योंकि उनका पहला फिल्म फेयर अवार्ड उन्हें मिला रवि शंकर जी के साथ काम करके, और वो गाना था चौदहवीं का चांद हो। सिर्फ ये ही नहीं, बाबुल की दुआएं लेती जा गाने के लिए उनको नेशनल अवार्ड भी मिला। आज जितने शादी के कुछ ऐसे ही जब होते हैं उसमें ये रफ़ी जी का गाना तो ज़रूर बजता है। आप शायद जानते नहीं होंगे पर ये गाना गाते वक्त रफ़ी जी की आंखों से आंसू निकल आए थे। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझे को सुखी संसार मिले, मैं के की कभी ना याद आए, जा तुझे को सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझे को सुखी संसार मिले, मैं के की कभी ना याद आए, जा तुझे को सुखी संसार मिले। 1950 से लेकर 1960 का दौर रहा मोहम्मद रफ़ी और ओपी नैयर का। एक बार तो ओपी नैयर ने कहा था कि अगर मोहम्मद रफ़ी नहीं होते तो ओपी नैयर भी नहीं होते। अक्सर रफ़ी साहब के साथ आशा भोसले जी भी गाने गाती थी। एक बार की बात है, फिल्म सावन की घटा के गाने की रिकॉर्डिंग कैंसिल कर दी गई, क्योंकि रफ़ी साहब जी थोड़ी लेट आए थे, जिसके कारण वो उन दोनों की आपस में कुछ ऐसी ही कहा सुनी हुई, जिसके कारण उन दोनों की बातें 3 साल तक बंद हो गई थी। पर इस जोड़ी ने हमें कई हिट सॉन्ग्स दिए। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुझे बनाया, इशारों में दिल लेने वाले, इशारों में दिल लेने वाले, बताई हुनर तूने सीखा कहाँ से। लक्ष्मीकांत प्यारे लाल की जोड़ी ने मोहम्मद रफ़ी को अपने अहम सिंगर की श्रेणी में रखा, और रफ़ी साहब ने भी सबसे ज़्यादा गाने इन्हीं के लिए गाए थे। यहाँ तक कि रफ़ी ने आखिरी गाना भी इन्हीं के लिए गाया था, वह गाना था श्याम फिर क्यों उदास। चाहूँगा मैं तुझे शाम सवेरे, फिर भी कभी ना नाम न तेरे, आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। ऐसे कहीं महान म्यूजिक डायरेक्टर के लिए रफ़ी साहब ने गाना गाए। कहा जाता है कि रफ़ी साहब किसी भी संगीतकार नहीं यह नहीं पूछते थे कि उन्हें गाना गाने के लिए कितना पैसा देंगे। यहाँ तक कि भी कभी कभी सिर्फ 1 रुपये में भी कई फिल्मों में गाना गाया है। मोहम्मद रफ़ी ने न केवल हिंदी बल्कि कई भाषाओं में गाना गाए हैं। दोस्तों, आज के इस सफ़र को मैं यहीं विराम देती हूँ।